हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट स्टूल केमिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है स्टूल केमिस्ट्री। सो The most commonly used specimen for the detection of intestinal parasite is feces. देखिए, जब intestinal parasites की detection करनी होती है तो उसके लिए जो हम सबसे ज़्यादा commonly sample लेते हैं that is known as feces, that means stool. Okay, fecal specimens are examined for the presence of trophozoites and cyst of protozoa, eggs, larva of helminths. जो फीकल स्पेसिमेंस होते हैं, जो स्टूल स्पेसिमेंस होते हैं, वो हम इसलिए एग्जामिन करते हैं ताकि हम ट्रोफोजोइट्स की प्रेजेंस को देख सकें, प्रोटोजोआ के सिस्ट को देख सकें, ठीक है, एक्स को देख सकें, हेलमिंट्स के लार्वा की प्रेजेंस को देख सकें। होल अडल्ट वॉर्म और सेगमेंट्स ऑफ सम वॉर्म्स मे ऑल्सो बी सीन। स्टूल सैंपल के अंदर काफ़ी बार अडल्ट वॉर्म्स भी दिखते हैं एंड वॉर्म्स के कुछ सेगमेंट्स भी दिख जाते हैं। ट्रोफोजोइट्स, सिस्ट्स, एग्स एंड लार्वा कैन बी सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। जो ट्रोफोजोइट है, जो सिस्ट है, एग्स एंड लार्वा है, ये नेक डाई से नहीं दिखते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी ही करनी पड़ती है। सो ये माइक्रोस्कोपिकली ही हमें विजिबल होंगे। बट द अडल्ट वॉर्म्स और सेगमेंट्स ऑफ टैप वॉर्म्स, जो अडल्ट वॉर्म्स होते हैं, टैप वॉर्म के जो सेगमेंट्स होते हैं, वो हम नेक डाई से भी देख सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से विजिबल रहते हैं। सैम्पल्स ऑफ फीसिस मस्ट बी प्रॉपरली कलेक्टेड। जो सैम्पल है इसको प्रॉपरली कलेक्ट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, एग्जामिन करना होता है ताकि हम पैरासाइट की डिटेक्शन ईजिली कर सकें। फीसिस आर द सॉलिड और सेमी सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड दैट कुड नॉट बी डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन्स। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो फूड होता है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ह्यूमन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसे अब्जॉर्ब नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, दैट इज नोन एज फीसिस। वो फीसिस के रूप में, स्टूल के रूप में हमारी बॉडी से पास आउट होता है। अब वो सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। इसकी कॉम्पोजिशन देख लीजिए। स्टूल के अंदर 3/4 पार्ट वाटर रहता है एंड 1/4 पार्ट सॉलिड रहता है। अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है ये, इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस होते हैं ये, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं इसके प्रेजेंट, अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस। देखिए, लेबोरेटरी डिटरमिनेशंस में बात करेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर पैरासाइट की डिटेक्शन करनी है तो हमें माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। ऑल्दो समटाइम्स ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन मे बी हेल्पफुल। काफ़ी बार ग्रॉस एग्जामिनेशन से भी काम बन जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पैरासाइट, लेकिन ये पूरी तरीके से पैरासाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। ये अभी हम आगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टूल स्पेसिमेन की कलेक्शन कैसे करनी है। देखिए, यूज़ ड्राई कंटेनर 50 ml कैपेसिटी। जो आप कंटेनर ले रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 50 ml होनी चाहिए एंड वो कंटेनर ड्राई होना चाहिए। द वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज आर, कौन कौन से टाइप के आप कंटेनर यूज़ कर सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि डिस्पोजेबल वाइड माउथ प्लास्टिक बॉटल और ग्लास बॉटल, वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, मतलब कि उसका माउथ जो होता है वो छोटा ना हो, बड़ा हो, ठीक है, वाइड माउथ होना चाहिए। वैक्स्ड कार्डबोर्ड बॉक्स हो, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लास जार विथ फिटिंग लिड, ग्लास जार ले सकते हैं और उसका जो फिटिंग का लिड होता है उसके साथ में होना चाहिए, ठीक है, मतलब वाइड माउथ होना चाहिए। देन कलेक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन। आपने सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। मॉर्निंग का स्पेसिमेन लेना है, एटलीस्ट कितना, 5 to 6 ml की कैपेसिटी का लेना है, ठीक है। इस कलेक्टेड इन अ 50 ml क्लीन एंड ड्राई कंटेनर। 50 ml क्लीन और ड्राई कंटेनर के अंदर आपने 5 से 6 ml कैपेसिटी का सैंपल लेना है। प्रिकॉशन क्या क्या रखना है ड्यूरिंग द सैंपल ऑफ कलेक्शन। देखिए, द स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी लेबल्ड। स्पेसिमेन का जो कंटेनर है वो लेबल होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके ऊपर प्रॉपरली होना चाहिए। पेशेंट का नेम, डेट एंड टाइम ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन भी अच्छे से रजिस्टर में एंटर करें स्टूल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है।
एंड स्टूल स्पेसिमिन शुड नॉट बी लेफ्ट अनकवर्ड. जो स्टूल स्पेसिमिन है उसको अनकवर्ड नहीं रखना है. इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट ड्राइंग इफेक्ट. ठीक है, क्योंकि अगर हम अनकवर्ड रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा. ठीक है, हमें ड्राई इफेक्ट से उसको रिकॉर्ड करना है, उसको बचाना है. स्टूल स्पेसिमिन शुड बी एग्जामिन विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन. स्टूल स्पेसिमिन को 1 घंटे के अंदर जब कलेक्शन किया है उसके विद इन कलेक्शन के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको एग्जामिन कर लेना चाहिए. स्पेसिमिन शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली आफ्टर द एग्जामिनेशन. स्पेसिमिन को एग्जामिनेशन के बाद प्रॉपरली डिस्पोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर पैरासाइटिक या फिर और भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो कि दूसरे किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं या किसी और चीज़ को, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. अब देखिए, हमने स्पेसिमिन को, ये जो स्टूल स्पेसिमिन का है उसको प्रिजर्वेशन कैसे करना है. ठीक है, फॉर्मलिन सलाइन रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, वो बनता कैसे है, देखिए 10% फॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है कमर्शियली. देखिए, इसको बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो कि कमर्शियली हमारे पास 40% के रूप में होता है, उसका हमें 25 ml लेना है. नॉर्मल सलाइन लेना है, ठीक है, 75 ml लेना है. एंड वी हैव टू मिक्स देम एंड ड्राई कंटेनर में स्टोर करके रख लो. उसके बाद मिक्स यूज़ कैसे करना है वो देख लीजिए. मिक्स 3 parts ऑफ 10% फॉर्मल सलाइन. हमने फॉर्मल सलाइन के 3 parts लेने हैं, 1 part ऑफ स्टूल लेंगे, उनको मिक्स कर लेंगे. प्रिजर्वेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देख लीजिए. द प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व्स प्रोटोजोआ मॉर्फोलॉजी एंड प्रिवेंट्स फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन हेलमिंग एग्स. जो प्रोटोजोआ है उनकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने में ये हेल्प करता है, एंड बाद में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो उस चीज़ में भी वो उसको इनहिबिट करने में हेल्प करता है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में देख लीजिए, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हैं. ग्रॉस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन बाई विजुअल ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. ठीक है, ग्रॉस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम कि उसमें हम क्या क्या देखेंगे. देखिए, स्टूल की कंसिस्टेंसी को हम देखेंगे, कलर देखेंगे उसका, म्यूकस है या नहीं, ब्लड प्रेजेंस तो नहीं है, पार्ट्स ऑफ पैरासाइट दिख रहे हैं, अडल्ट पैरासाइट दिख रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम ग्रॉस मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान करेंगे जो नेक डाइस से हमको दिखता है. देन हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम रिएक्शन देखते हैं, पीएच देखते हैं, अकल ब्लड की प्रेजेंस को भी देखते हैं. उसके बाद हम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशंस करते हैं. ठीक है, और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स के पार्ट्स को देखते हैं, उनसे रिलेटेड एग्स को, इन सब के एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं. जैसे प्रोटोजोआ के पार्ट्स एग्स को देख रहे हैं, नीमा हेलमेंट्स, प्लेटी हेलमेंट्स, प्लांट सेल्स, फाइबर्स, मीट फाइबर्स, क्रिस्टल्स, फैट ग्लोबल्स, ईस्ट सेल्स, बैक्टीरिया, एरिथ्रोसाइट, पस सेल, इन सब की प्रेजेंस को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना ज़रूरी होता है. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में. ग्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, ऑब्जर्व द स्टूल स्पेसिमिन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. हम स्टूल स्पेसिमिन को बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑब्जर्व करते हैं. पहले हम कंसिस्टेंसी एंड उसका फॉर्म देखेंगे. ठीक है, तो वो देख लीजिए. नॉर्मली जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो वेल फॉर्म्ड होती है. ठीक है, प्रॉपरली फॉर्म्ड होता है. अबनॉर्मल कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, नॉर्मली वेल फॉर्म्ड होता है, अबनॉर्मली कैसा दिख सकता है एंड उसके रीज़न क्या होंगे. देखिए, अगर पेल बल्कि या फ्रॉथी दिख रहा है दैट मीन्स कि हो सकता है कि उसके अंदर स्टीटोरिया हो, पुअर फैट डाइजेशन हुआ हो. ठीक है, हार्ड है, कॉन्स्टिपेशन इशारा करता है ये. फ्लैटन्ड एंड रिबन लाइक दिख रहा है दैट मीन्स कि जो ल्यूमन ऑफ बॉवल है, बॉवल का जो ल्यूमन है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. सेमी सॉलिड दिख रहा है मतलब कि माइल्ड डायरिया हो सकता है. आफ्टर टेकिंग लैक्सेटिव डाइजेस्टिव अपसेट, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है. वाटरी है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड राइस वाटर स्टूल दिख रहा है. ठीक है, तो कॉलेरा के चांसेस होते हैं. ठीक है, कलर के बारे में बात करें तो नॉर्मल जो नॉर्मल कलर रहता है इसका लाइट टू डार्क ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स की वजह से स्टूल का जो स्टूल है वो लाइट टू डार्क ब्राउन दिखता है बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट्स. ओके, अब नॉर्मली क्या कलर होगा और उसके रीजन क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए. अगर ब्लैक दिखेगा दैट मीन्स देर इज अ ब्लीडिंग इन द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. जो अपर GIT ट्रैक है वहाँ पे ब्लीडिंग है. आयरन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होगी, एनीमिया हो सकता है. ब्राइट रेड अगर दिख रहा है, लोअर
लेवल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो लोअर जीआई के ट्रैक होता है वहाँ पे ब्लीडिंग है, ठीक है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, कंटामिनेशन विद मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड से कंटामिनेटेड हो सकता है, फ्रेश ब्लड म्यूकस या फिर क्ले क्ले कलर का दिख रहा है, तो देखिए फ्रेश ब्लड और म्यूकस नहीं दिखता है, एमेबिक डाइजेंट्री के केस में होता है, एंड क्ले कलर दिख रहा है मतलब कि पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द बाइल टू द इंटेस्टाइन, जो बाइल है इंटेस्टाइन तक प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, वाइट है तो बैरियम मील है उसकी वजह से। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस में देख लीजिए, हम चेक कर सकते हैं अकल ब्लड इन फीसिस, ठीक है, ब्लड के अंदर अकल ब्लड की प्रेजेंस, अकल ब्लड क्या होता है, हिडन ब्लड माना जाता है ये, ठीक है। सो ब्लड इन फीसिस में बी अ रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग इन टू द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक विद रैपिड वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। देखिए जो ब्लड है फीसिस में अगर दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हुई है या फिर वॉमिटिंग हो रही है ब्लीडिंग की, और ड्यू टू पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द रेक्टम या फिर रेक्टम में ब्लड हो का रिलीज हो रहा है। बट वेन द ब्लीडिंग इज क्रॉनिक, लेकिन जब ब्लीडिंग क्रॉनिक होती है द ब्लड और इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बिकम नॉन रिकग्नाइजेबल, तब ब्लड जो होता है और उसका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जैसे हीमोग्लोबिन वो दिखता नहीं है फीसिस में, उसको हम अकल ब्लड कहते हैं, मतलब कि हिडन ब्लड के नाम से जानते हैं। अकल ब्लड इज इन्वेस्टिगेटेड इन ऑर्डर टू डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको हम ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में करते हैं, पेप्टिक अल्सरेशन के केस में, कैंसर के केस में जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हो सकता है, इनके केसेस में हम अकल ब्लड की प्रेजेंस को देखते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे उसका, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अकल ब्लड गिव्स द स्टूल अ ब्लैक टार लाइक अपीयरेंस, अगर अकल ब्लड लार्ज अमाउंट में होगा उसकी वजह से जो स्टूल है वो ब्लैक टार लाइक स्ट्रक्चर, टार लाइक की तरह दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। फ्रेश ब्लड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टूल मे बी ड्यू टू रेक्टल और वजाइनल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, अगर ब्लड फ्रेश ब्लड दिख रहा है स्टूल के ऊपर तो वो ये बताता है कि रेक्टल या फिर वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से दिख रहा है। दिस ब्लड शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव अकल ब्लड, इस ब्लड को हम अकल पॉजिटिव अकल ब्लड के रूप में नहीं लेते हैं, ठीक है। इट विल नेचुरली गिव्स अ पॉजिटिव रिएक्शन टू अकल ब्लड टेस्ट, इसको अगर हम लेंगे भी तो ये जब अकल ब्लड का टेस्ट करेंगे तो ये नेचुरली प्रेजेंस दिखाएगा, पॉजिटिविटी देगा हमें, ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेते हैं अकल ब्लड की पॉजिटिविटी के लिए। इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड व्हेन यूज इशूइंग रिपोर्ट्स दैट फ्रेश ब्लड वॉज माइक्रोस्कोपिकली सीन, तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग दे रहे हैं तो उस पर क्लियरली लिखा जाता है कि माइक्रोस्कोपिकली साफ साफ मतलब कि नेक डाई से फ्रेश ब्लड की अपीयरेंस थी स्टूल सैंपल के ऊपर। अब डिटेक्शन ऑफ अकल ब्लड करना कैसे है, देखिए मेथड जो है उसका नाम है बेंजीडीन मेथड, प्रिंसिपल देख लीजिए आप इसका, ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, सो जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर उसकी एक एक्शन होती है दैट इज नोन एज परऑक्सीडेज टाइप एक्शन, ठीक है। सो जो कि अगर अगर स्पेसिमेन के अंदर अकल ब्लड होगा तो उसके अंदर ये एक्टिविटी जरूर होगी, वो कन्वर्ट करेगी हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में, ठीक है, एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज बेंजीडीन, ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज करेगी एसिडिक मीडियम में ताकि वो ग्रीन टू ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है। अब ये जो ग्रीन टू ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा यही बताएगा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अकल ब्लड, ठीक है। सारी सारा जो प्रिंसिपल है वो परऑक्सीडेज टाइप एक्शन पे डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट्स में हमें ग्लास लाइट चाहिए, एप्लीकेटर स्टिक या फिर वायर लूप चाहिए होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहिए, बेंजीडीन पाउडर चाहिए, ठीक है, एंड स्पेसिमेन में फीसिस चाहिए होता है। प्रोसीजर देख लीजिए, आपने क्या करना है कि बेंजीडीन पाउडर का एक पिंच लेना है, एक चुटकी लेना है एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, एसिडिफाई करने के लिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, उसके 2-3 ड्रॉप डालें, मिक्स कर ले उसको उसी ट्यूब में अच्छे से। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे, ठीक है, 1 ml लेना है उसी ट्यूब में, और उसको मिक्स कर ले। अब स्टूल स्पेसिमेन का स्मॉल क्वांटिटी ले एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड पे लेना है, ट्यूब के अंदर नहीं लेना है उसी में, ठीक है, एंड प्लेस 1-2 ड्रॉप ऑफ बेंजीडीन ग्लेशियल एसिटिक एसिड हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्सचर। अब देखिए जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया जिसके अंदर हमने बेंजीडीन पाउडर डाला था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी डाला था एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड भी डाला था, ये सारी चीज़ें डाली थी। इस मिक्सचर की हमने क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स लेनी है, 1-2 ड्रॉप ले ले, एंड वो जो स्लाइड ली थी स्लाइड के ऊपर जो स्टूल स्पेसिमेन था उसके ऊपर वो ड्रॉप को डाल दे,
ठीक है। अब चेंज कलर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें, अगर नहीं हो रहा है तो नेगेटिव है, अगर कलर चेंज हो रहा है देर इज अ पॉजिटिविटी। ऑब्जर्वेशन में देखो नो चेंज इन कलर, अकल ब्लड अब्सेंट रहता है, कलर चेंज हुआ ग्रीन टू ब्लू हुआ अकल ब्लड प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। एक और इसका मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ओकोकुट टैबलेट अकल ब्लड, कमर्शियली अवेलेबल रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो किट होती है इसके अंदर ही ऑलरेडी चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, डाइलुएंट होता है, ओकोकुट टैबलेट होता है, टेस्ट पेपर्स होते हैं। प्रोसीजर देख लो, हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ थिन स्मियर ऑफ फीसिस इन द सेंटर ऑफ द टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर के सेंटर में हमने एक पतली सी स्मियर बनानी है स्पेसिमेन की, फीसिस की। अब ओकोकुट टैबलेट को ले एंड स्मियर के सेंटर में रख दे। 2 or 3 drops of diluents are applied on the tablet. अब उसी किट के अंदर डाइलुएंट भी होता है, सो उसकी डाइलुएंट की 2 से 3 drop ले एंड टैबलेट के ऊपर डाल दे। नाउ 2 or more drops आर एडेड आफ्टर 2 मिनट्स। अब 2 मिनट के बाद दोबारा से 2 और उससे ज़्यादा ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। अब 2 मिनट के बाद आप उसके कलर की चेंजनेस को देखें। ऑब्जर्वेशन देखिए, नेगेटिव तब होगा जब कोई कलर चेंज नहीं होगा टेबलेट के अराउंड, पॉजिटिव कब होगा जब कलर चेंज होगा। डार्क ब्लू कलर आया तो 2 positive 2+ एंड 1 पेल ब्लू कलर आया तो 1+ होगा, ठीक है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में देखना होता है। देन फीकल फैट, मोस्ट डाइट्री फैट इज अब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद वेरी लिटल बींग एक्सक्रीशन इन द फीसिस। देखिए क्या है, जो डाइट्री फैट्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, एंड वो थोड़े बहुत फीसिस में भी सेक्रेट आउट होते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ फैट अब्जॉर्प्शन कॉज एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फैट टू बी एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में कोई ना कोई डिसऑर्डर आ रहा है, कमी आ रही है, तो वो हमारे फीसिस के थ्रू निकलना शुरू होते हैं। दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज स्टिटोरिया। इस कंडीशन को हम स्टिटोरिया के नाम से जानते हैं। स्टिटोरिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पोस्ट इन्फेक्टिव माल अब्सॉर्प्शन। ये ज़्यादातर पोस्ट इन्फेक्टिव माल अब्सॉर्प्शन की केस में देखा जाता है, जियार्डियासिस के केस में देखा जाता है, स्ट्रॉन्गली लाइडोसिस एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटिसिस के केस में इसको देखा जाता है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस देख लीजिए। स्टोरियल स्टूल्स आर यूजुअली बल्की पेल इन कलर, ये बल्की होते हैं, पेल इन कलर होते हैं, फ्लोट ऑन वाटर एंड फ्रोती होते हैं एंड हैव ऑफेंसिव ऑर्डर होता है इसका। एक्सेस फैट इन फीसिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट ग्लोबुल्स। जब बहुत ज़्यादा फैट फीसिस के अंदर एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाए तो वो न्यूट्रल फैट ग्लोबुल्स की तरह दिखता है, फैटी एसिड क्रिस्टल्स की तरह एंड सोपी फ्लेक्स की तरह अपीयर होता है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल फैट ग्लोबुल्स, अगर न्यूट्रल फैट ग्लोबुल्स प्रेजेंट है, द अनस्प्लिट फैट इन फूड बिफोर डाइजेशन इज इनएक्टिवेट। ये जो न्यूट्रल फैट ग्लोबुल्स है ये क्या है, ये अनस्प्लिट फैट होता है जो कि फूड की डाइजेशन से पहले होता है, इज इनएक्टिवेट, ठीक है, और लाइपेज डेफिशिएंसी ड्यू टू पैनक्रियाटिक डिजीज, या फिर लाइपेज डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। लाइपेज डेफिशिएंसी कब होगा, जब पैनक्रियाटिक डिजीज होगा। द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड क्रिस्टल्स और सोपी फैट, अगर फैटी एसिड क्रिस्टल्स हैं, सोपी फैट दिख रहा है, ठीक है, वो माल अब्सॉर्प्शन का कंडीशन होता है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, यही तक था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट में, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।